हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डियर पाले क्लासेस बाय बालाशर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियर पाले क्लासेस पर स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को देखेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे और फुल तैयारी के साथ देखेंगे। ठीक है, मैंने पहला पेपर आपको दे दिया है। ठीक है, पहला पेपर आप पूरा तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूसरा पेपर लेकर आया है, लेकिन मैं आपको एक दो बात बता रहा हूँ। जो पहला पेपर है मुझे इस पेपर से ज्यादा उस पर भरोसा है, क्योंकि मैंने उसको upmsp.nic.in से मैंने लिया है। लेकिन इस पेपर को मैं फिर से क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि इस पेपर को मैंने भी अपने सामने दिया था, तो अगर ऐसा है या वो है। अच्छा, इसको मैंने इसलिए लेकर आया है जिससे आपको कई चीज और अच्छे से हिंदी में समझाया जा सके, जिससे आप आर्ट में जाने के बाद आपको काफी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे अगर मैं दिक्कत दूर कर दूंगा तो वहां पे आपको दिक्कत बहुत कम होगी, नहीं तो वहां जाने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे क्या चीज है। तो मैं काफी इंस्ट्रक्शन यहीं पे बता रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो पूरी चीजों को। और ये दूसरी वीडियो है, और तीसरी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल ऑन पर क्लिक कर लें, जिससे जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मैं एक एक फोटो आपका मैं लगा करके खींच करके मैं समझाऊंगा कैसे इसमें क्या चीज हुआ है, कहां क्या चीज हुआ है, उसको आप वैसा बना करके आएंगे तो मेरा नहीं या आपके कक्षा टीचर जो ड्यूटी कर रहा होगा वो भी कह देगा कि बेस्ट बनाए भाई तुम। ठीक है, तो आप आर्ट को जरूर देखना। मैं तीसरी वीडियो लेकर आऊंगा, ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पे जाकर के पहली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, पहली वीडियो देख लेंगे या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां पे भी आप देख सकते हैं। अगर वहां पर नहीं मिलता है तो आप खोज करके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इस क्लास को, पूरा हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आपके पास। सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर ले, मैं आपसे बात करूं चित्रकला के बारे में बात करूं। ठीक है, ये चित्रकला है, केवल प्रश्नपत्र है। ठीक है, तो क्लास 10th का है, समय 3 घंटे है और पूर्णांक 70 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तक नहीं है, 3 घंटे 15 मिनट होता है, प्लीज आप इसमें डिस्टर्ब ना। ठीक है, तो चलिए हम निर्देश के बारे में बात करेंगे। प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लोग शेयर कर दीजिए, प्लीज अधिक से अधिक लोग शेयर करिए और पूरी वीडियो को ध्यान से समझेंगे। एक एक पॉइंट वीडियो में, एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा। चलिए, यहाँ पे क्या दिया है, प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। इसमें खंड का अनिवार्य है, खंड का तो आपको जरूर करना है। ठीक है, खंड खा और खंड गा में से किसी एक खंड को हल करना है। ठीक है, खंड खा खंड गा में से खंड का सबको करना है। खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में केवल एक ही का चित्रण करना है। चाहे आप प्राकृतिक दृश्य बनाइए, चाहे आप आलेखन करिए और चाहे आप प्राविधिक कला करिए। ठीक है, इसके बाद खंड खा में स्मृति चित्र अथवा खंड खा के भारतीय चित्रकला में से किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है ना, तो खंड खा के स्मृति चित्रण और अथवा यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है अथवा, तो चाहे खंड खा करिए और चाहे खंड गा करिए। ठीक है, दोनों नहीं करना, नहीं तो तीनों खंड करने लगो। समझ गए, क्लियर हुआ आपको, काफी चीजें क्लियर हुई आपको, प्लीज। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अथवा लिख करके आपको बताया गया है, खंड खा या खंड गा करना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। प्लीज अगर अभी भी चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपका खंड का दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया खंड का, और यहाँ पे दिया गया है अनिवार्य। ठीक है, यहाँ लिखा गया प्राकृतिक दृश्य चित्रण, किसकी बात किया गया यहाँ पे, प्राकृतिक दृश्य चित्रण की। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अपनी ड्राइंग शीट पर चारों ओर समान हाशिया छोड़ते हुए बीचों बीच में 20x15 सेंटीमीटर का एक आयत बनाइए, मतलब चारों तरफ से बराबर बराबर दूरी छूटना चाहिए, जैसे ऊपर से इधर इधर बराबर होना चाहिए और इधर इधर बराबर होना चाहिए। चित्रांकन स्वच्छ सुंदर और प्राकृतिक होना चाहिए। दृश्य चित्र में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग होना चाहिए, मतलब वाटर कलर लेना है, स्केच का यूज नहीं करना है। ठीक है, और क्या करना है, सूर्योदय के समय का ग्रामीण दृश्य, झील के किनारे गाँव की झोपड़ियां, दूरी पर कुछ वृक्ष और झील में एक नौका। ठीक है ना, तो यहाँ पे इतनी चीजें आपको शो करनी है उसमें। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करके तभी आप जाइएगा। ये चीज हो गया प्राकृतिक दृश्य का, जिन भाई बहन को जिन बच्चों को ये बनाना है वो ये बना लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं प्लीज। अच्छा, यहाँ पे नंबर कैसे कैसे बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पे सही रेखांकन यौन परिप्रेक्ष्य का 15 नंबर है, संयोजन का 7.5 नंबर है, सुसंगत रंगों का प्रयोग 15 है और सामान्य प्रभाव 7.5 है। ठीक है, तो टोटल 15, 15, 30 और 7.5, 15 या 45 नंबर का है पहला वाला। ठीक है, 45 नंबर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पे खंड अथवा अथवा वाला पार्ट देख लीजिए, आलेखन की बात किया है, यहाँ पे आलेखन की। 16 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग में, भुजा के यहाँ होगा, भुजा के एक वर्ग में एक पूर्ण इकाई वाले मौलिक मौलिक आलेखन की रचना कीजिए। मौलिक आलेखन बनाना है जिसमें जो कोई भारतीय पुष्प, जो किसी भारतीय पुष्प, कोई भी भारतीय पुष्प होना चाहिए, ठीक है, अच्छा, उसकी पत्तियों एवं कलियों एवं पत्तियों पर आधारित हो, ठीक है। इसके बाद आलेखन कपड़े की चादर पर छपाई के लिए उपयुक्त हो। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। पहली बात मौलिकता, दूसरी बात संयोजन, तीसरी बात उत्तम रंग संगति, और चौथी बात यहाँ पे आपसे बात किया गया है सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण, ठीक है। तो ये 15, ये 15, ये 7.5, ये 7.5, मतलब ये भी आपका 45 नंबर का है, ठीक है। तो अब आपको डिसीजन लेना है, आप प्राकृतिक दृश्य बनाएंगे या तो फिर आप आलेखन बनाएंगे, ठीक है ना। मेरी तीसरी वाली वीडियो में सब कुछ रहेगा, ठीक है, हर एक चीज रहेगा, पेंसिल चित्रण सब कुछ रहेगा, एकदम बढ़िया। उससे लल्लन टॉप वीडियो यूट्यूब के इतिहास में नहीं होगा, मैं इतना बढ़िया मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, तो घबराइए मत, ठीक है। अब आपको प्राविधिक कला वाला पार्ट नहीं करना है क्योंकि आपने टेक्निकल आर्ट नहीं ले रखा है, ठीक है, तो प्लीज आपको ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। अब सीधे आना है आपको खंड खा पे, हम आपको लेकर चले आए कहाँ पे, खंड खा पे लेकर चले आए, और खंड खा की बात क्या किया गया, स्मृति चित्रण। जितने लोग नए लोग देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, आराम से पूरी तैयारी करते रहें, ठीक है ना। 10th, 11th, 12th पूरी तैयारी आपको मिलेगी, अच्छा खासा तैयारी आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा, किसके द्वारा बनाना, पेंसिल द्वारा, चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, 15 सेंटीमीटर, आकृतियों की अनुरूपता पर रेखा सौष्ठव पर क्रमशः 6 और 6 अंक आधारित, ठीक है ना। अच्छा अब क्या दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, किसी एक का बनाना है, किसी एक का बनाना है, इसमें ये 12.5 अंक का है, कितने अंक का है, 12.5 अंक का। आपको क्या बनाना है, सुराही बनाना है, आपको क्या बनाना है, कुकर बनाना है, आपको क्या बनाना है, बाल्टी और मग बनाना है, आपको क्या बनाना है, कढ़ाई बनाना है। तो ये चारों चीज का फोटो मैं आपके पास भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अपने बड़े भाई को, अपने टीचर को एक थैंक यू बोल दीजिएगा कि सर आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। और अगर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब, अधिक से अधिक सपोर्ट, और अधिक से अधिक प्यार दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, मैं चारों फोटो आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा ये चीज हो गया, ठीक है, एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा हम लैपटॉप चार्ज लगाएंगे। जी अब हो गया सही, हाँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हो गया, ये 12.5 अंक का है, और एक और है, अभी वहीं बगल में एक और है, ये भी 12.5 अंक का, क्योंकि हम लोग डबल बना कर आए, ठीक है ना। चित्र 15 सेंटीमीटर छोटा ना हो, आम पत्तियों सहित संतरा, लौकी और क्या, बैगन, और क्या, बैगन, ठीक है। तो ये चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों बनाना रहता है, हम लोग ने दोनों बनाया है, दो पेंसिल का बनाया था, एक कलर वाला बनाया था। हम लोग के समय में ये 25-25 का था और वो 50 का था, क्योंकि हम लोग 2010 में दिए हैं, ठीक है। लेकिन आपके समय में कुछ बदला है, ठीक है। तो ये चीज आप पेपर पाने के बाद देखेंगे, मैंने दो पेपर ले लिया क्योंकि मुझे अधिक से अधिक पता चल जाए कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आने लायक है। इसलिए तीसरे वीडियो तो एकदम देख कर जाइएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे बनाना है। आप खोजेंगे नहीं मिलेगा, मैं खोज के आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे गा वाला दिया गया है, यहाँ पे गा वाला दिया गया है, गा में क्या दिया है, खंड गा में, खंड गा आपको नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे साफ साफ मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्या बताया है, खंड खा के स्मृति चित्रण अथवा खंड गा के, चाहे खंड खा करिए चाहे खंड गा करिए। इसलिए मुझे तो आशा है कि खंड गा आप कटते ही ना करिए, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। 15 नंबर का आप क्या लिखना, विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, करोगे कहाँ, आपको कॉपी मिलेगा ही नहीं, ठीक है, आपको कॉपी मिलेगा ही नहीं लिखने के लिए, भाई आर्ट वाली कॉपी मिलेगी तो करवा नहीं पाओगे, ये सब करने के लिए चक्कर ना पड़ो, केवल भाई कलर और बनाने वाला मिलेगा उसी को बनाना है, ठीक है। तो पूरा पेपर आपको समझ में आया, ठीक है, पूरा पेपर आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा रोक रोक करके, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा स्क्रीन शॉट हो गया, ठीक है, तीसरा स्क्रीन शॉट, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ देख लेता हूँ आलेखन, तीसरा स्क्रीन शॉट, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आप चौथा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपको वीडियो था, अब आप नेक्स्ट वीडियो का हमारे इंतजार करिए।
नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और गजब का वीडियो होगा। इसलिए गजब का वीडियो होगा क्योंकि आपको फुल तैयारी उसमें मिलेगी, ठीक है, कई चीज आपको उसमें सीखने को मिलेगा। जितने यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इकट्ठा किया है उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हल, मतलब उसका एक एक फोटो मैं लगा करके आपको ऐसे ऐसे समझाऊंगा पेपर में कैसे बनाना है, 15 सेंटीमीटर कैसे करना है, आपको कैसे नापना है, कैसे छाया करना है, कैसे चित्र करना है, मैं लिख करके रखा हूँ, बना करके मैं सब कुछ लगाऊंगा। बशर्ते आप वीडियो को सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है, अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक, चलिए ठीक है, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सभी को थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।